सो व्हाट्स अप माय लवली सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एसबी ट्रैवल ब्लॉग्स। और आज जो मैंने आपके लिए लाया वो है बजाज पल्सर 200 NS BS6 वेरिएंट। तो आज मैंने अपना फेस नहीं दिखा के ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो आज वो कंसीडर कर लेना कि फेस नहीं दिखेगा भाई, ओनली BS6 बजाज 200 NS का रिव्यू होगा। सो ये बाइक है मेरा एक फ्रेंड का। आज ना बहुत 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 ज़्यादा विंड है, ठीक है, तो आई होप विंड नॉइज़ आएगा वीडियो रिकॉर्ड के टाइम पे। तो मैंने पोस्ट प्रोसेसिंग पे तो थोड़ा मैनेज कर दूँगा, लेकिन उसके बाद भी जो विंड नॉइज़ रहेगा तो उसको लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पहले मैं इस बाइक का लुक दिखा देते हूँ, कैसे दिखती है ये बाइक, कैसा लगता है, आप पहले देख लो भाई। वाह भाई वाह, क्या लगता है भाई। ये 200 सेगमेंट का बजाज का एक एंटिक पीस है भाई। इसका साइलेंसर का जो साउंड है ना वो भी भाई अमेजिंग है, एक बार सुनो। ये अंडरवैली साइलेंसर है। सबसे अमेजिंग बात क्या है आपको पता है, कि इस बाइक का जो BS4 वेरिएंट था उसमें पावर था 23 PS समथिंग, लेकिन भाई सब गाड़ी में BS6 वेरिएंट में पावर घट गया है, लेकिन इस बाइक का भाई BS6 कंप्रेशन भाई पावर बढ़ा दिया भाई, इंक्रीज कर दिया कंपनी में, 24 point something BHP का पावर कर दिया भाई इस बाइक का, जो ऑसम है भाई, ऑसम है हमारे जैसा राइडर के लिए जो पावर ऑसम है भाई। सो सबको हटा के इस बाइक को पहले लॉन्च करते हैं और 0 to 100 देखते हैं भाई कितना स्मूथली ये कर पाता है, ठीक है। तो चलो पीछे गाड़ी है, तो हो गया भाई इस बाइक का पावर देखो, अभी है बस, अभी है बाइक का पावर देखो। क्या गजब की पावर है भाई इस बाइक का, अमेजिंग पावर है भाई, अमेजिंग। आज रास्ता थोड़ा जैम हुआ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही जैम है बाईपास पे, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पीड पे भगाया नहीं, लेकिन तब भी भाई एक रस आया, एक उसको बोलते ना एक एड्रेनलिन रस हुआ भाई इसको भगाते हुए। ये भाई फील कराते हैं 24 point something BHP, ये फील कराते हैं। आप जब इस बाइक को अकेले चलाओगे और दौड़ाओगे, जब भगाओगे इस बाइक को अकेले भाई, तब ये आपको फील होगा भाई जी हाँ भाई पावर इंक्रीज हुआ है। सो इधर से हम ले लेते हैं राइट टर्न, यस राइट टर्न ले लिया भाई। अब बात करेंगे इसका सीटिंग पोजीशन, कि इसका सीटिंग पोजीशन भाई बहुत कंफर्टेबल है। हाँ सीट थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, थोड़ा सा हार्ड है भाई, अब जब एक 100-150 किलोमीटर चला लोगे इस बाइक को तो थोड़ा सा हार्ड फील होगा आपके बम्प पे, लेकिन सीटिंग पोजीशन भाई आप देख रहे हो हम बिल्कुल भी अपराइट बैठे हैं, बिल्कुल भी अपराइट, कंफर्टेबल है भाई।
अब बात करते हैं इसका क्रूजिंग स्पीड का। हाईवे पे आप कितने पे क्रूज कर सकते हो इस बाइक को, ये वाला स्पीड भाई, ये बाइक का स्वीट स्पॉट है भाई 90 से लेकर 100। आप जब टूर करेंगे ये बाइक को लेके, तो 90 से लेकर 100 तक ये बाइक स्वीट स्पॉट है क्रूजिंग का। इस स्पीड में अगर क्रूज करेंगे तो अच्छा माइलेज निकल के आएगा, और बाइक का इंजन में भी आपको फील नहीं होगा कि बाइक में कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है। समझ रहे हो ना क्या बात कहना चाहता हूँ, कि आप इस बाइक को लेके भाई आराम से 90 से 100 तक क्रूज कर सकते हैं सिक्स गियर में, कोई वाइब्रेशन नहीं फील होगा। थोड़ी वाइब्रेशन फील होगा, थोड़ी जो हैंडल में और फुट ब्रेक्स में थोड़ी वाइब्रेशन फील होगा, मगर वो भाई नेगोशिएबल है। अब बात करते हैं इस बाइक का इकोनॉमी, माइलेज कितना देती है भाई, ये बाइक 1 लीटर में कितना देती है। अगर इस बाइक को अच्छे से अच्छे तरह आप चलाए, 60 से लेकर 90 पे चलाए इस बाइक को हाईवे पे, तब ये बाइक लगभग 32 से लेकर 35 तक माइलेज दे देगा भाई 1 लीटर पे। और अगर इस बाइक को आप बहुत ज़्यादा भगाए या रश चलाए या टॉप एंड पे ज़्यादा रन करे इस बाइक को लेके, तो इस बाइक भाई लगभग 28-26 ऐसे माइलेज निकलते हैं भाई, ठीक है ना। सो भाई 200 सीसी सेगमेंट पे ये बाइक अच्छा भी है माइलेज के अनुसार, मतलब 200 सीसी सेगमेंट देख के, पावर देख के बजाज ने भाई एक कॉम्पैक्ट चीज़ बनाया BS6, अच्छा है भाई, मेरे को पसंद आया। मैं BS4 भी चलाया, BS3 भी चलाया NS200, लेकिन भाई मेरे को हर बाइक में BS4 वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन भाई 200 NS, फिलहाल एक बाइक है 200 NS जो मेरे को BS6 अच्छा लगा भाई, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई। BS4 थोड़ा सा रफ था, थोड़ा सा इंजन रफनेस उसको भगाने पे समझ आ जाता था बहुत जल्दी। आज मैंने, आप लोग कहेंगे आज ये बाइक रिव्यू कर रहा हूँ तो भगाया नहीं ज़्यादा भाई, भगा के आज फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आज तरह का हवा का चल है तो आज बाइक भगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टॉप एंड नहीं निकल के आएगा फर्स्ट सेकंड। बाइक, ये बाइक नेकेड है तो हवा के अंदर, विंड प्रेशर के अंदर ये बाइक बबल करता है ऐसे 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 ऐसे, मतलब मेरे को स्पोर्ट्स बाइक चला के आदत हो चुका है, तो मेरे को नेकेड बाइक कोई भी हो 200 सीसी अंदर में, मेरे को भाई कॉन्फिडेंस नहीं आता भगाने पे, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक में जो फेयरिंग होता है वो हवा को अच्छे तरह से भाई कट कर देता है, लेकिन ये बाइक भाई नेकेड है, ये बाइक ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो थोड़ी सी बबल करता है भाई, अगर बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर हो तो थोड़ी सी बबल करेगा भाई। ये है इस बाइक का पोस्चर के बारे में बात। सो ब्रेकिंग, इस बाइक का ब्रेकिंग भाई आप टेस्ट कर लेते हैं, 70 के स्पीड में हम ब्रेक करेंगे, अमेजिंग ब्रेक। और भी एक बार चेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, अमेजिंग ब्रेक भाई। मतलब KTM की तरह बाइट नहीं है, पर ठीक है भाई, चल जाता है। ये बाइक सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल में नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ब्रेक है भाई, चल जाता है। सो यही था NS200 का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ। और हाँ एक बात कि जो लोग नए हैं भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो भाई, ऐसे कंटेंट आते ही रहेंगे, सब्सक्राइब करके देखो, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। सो बाय बाय, टाटा।